कोलाइटिस में HLA-DR1-03 होता है, CART-15 और 2 जीन क्रॉन्स में होता है। रिस्क फैक्टर्स एक्स इसको स्मोकर्स में अल्सरेटिव मोर कॉमन है, क्रॉन्स में स्मोकर्स बहुत कॉमन है। एनाटॉमिकल डिस्ट्रीब्यूशन, एनी पार्ट ऑफ कोलोन फ्रॉम द माउथ टू द एनस कैन बी इन्वॉल्व, जबकि क्रॉन्स के अंदर जो है वो मेनली स्किप लीजन्स होते हैं, जबकि जो क्रॉन कोलोन अल्सरेटिव है उसमें स्किप लीजन्स नहीं होते। स्किप लीजन्स का मतलब है थोड़ा सा एरिया नॉर्मल फिर डिजीज, फिर नॉर्मल फिर डिजीज, ठीक है। एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन दोनों में होती हैं, प्रेजेंटेशन ब्लड इन द स्टूल अल्सरेटिव में होता है, क्रॉन्स में वेट लॉस डायरिया हो सकता है। अच्छा, क्रिप्स डिस्टॉर्शन, क्रिप्स एब्सेस, लॉस ऑफ गॉबलेट सेल्स जो हैं, ये दोनों दोनों डिजीजेस का हॉलमार्क है, लेकिन अल्सरेटिव कोलाइटिस यूजुअली म्यूकोजा तक लिमिटेड होती है, जबकि क्रॉन्स डिजीज म्यूकोजा, सब म्यूकोजल, ट्रांस म्यूकोजल इन्वॉल्वमेंट होती है। अल्सरेटिव कोलाइटिस 5-MeO-salicylic acid स्टीरॉयड एजाथियोपरिन से ट्रीट होती है, क्रॉन्स डिजीज में कोर्टिकोस्टेरॉइड एजाथियोपरिन मीथोट्रेक्सेट वगैरह इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें फैक्टर एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ द इन्फ्लेमेटरी बॉडी डिजीज, जेनेटिक इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, 10% रिलेटिव के अंदर हाई, यानी फैमिलियल टेंडेंसी होती है, आर्टिकल ट्यूरिंग्स में बहुत ज्यादा ये मौजूद हो सकती है, ठीक है। और जो बेसिकली अल्सरेटिव कोलाइटिस है वो एक्स स्मोकर्स में, क्रॉन्स डिजीज स्मोकर्स में बहुत ज्यादा कॉमन होती है। अब ये कि अगर कोई एंटीजन होता है वो ट्रिगर करता है इंटेस्टिन के ल्यूमन को क्लॉस करता है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के ऊपर जाता है, वो एक्टिवेट करता है हेल्पर टी सेल को, हेल्पर टी सेल्स मैक्रोफेजिस को एक्टिवेट करते हैं और रिलीज करते हैं IL-1, IL-6, TNF-alpha। ये वो चीजें हैं जो कि अल्टीमेटली कैस्केड ऑफ द इन्फ्लेमेशन को स्टार्ट करती हैं और टिश्यू डैमेजेस स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पे देखें तो ये ऊपर अल्सरेटिव कोलाइटिस है, नीचे क्रॉन्स डिजीज है। अल्सरेटिव कोलाइटिस को आप देखें 50% ऑफ द टाइम जो है ये जो है वो प्रोक्टोसिग्माटाइटिस होती है, 30-40% लेफ्ट साइडेड होती है और 20% में पैनकोलाइटिस होती है, जबकि क्रॉन्स डिजीज 20% इलियोसिकल होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में 30-40% होती है और क्रॉन्स कोलाइटिस 20% होती है, जबकि पेरिएनल डिजीज जो है 10% में इन्वॉल्व होती है। यहाँ पे देखिए कि ये कोई स्किप लीजन्स नहीं है, इसमें कंटिन्यूटी में है डिजीज, जबकि आप देखें आप क्रॉन्स डिजीज में यहाँ पे डिजीज है ये नॉर्मल है, यहाँ पे डिजीज है ये नॉर्मल है, इसी तरह यहाँ डिजीज है ये नॉर्मल है, यहाँ डिजीज है ये नॉर्मल है, सही है। सो अल्सरेटिव मेनली लिमिटेड टू द लार्ज इंटेस्टाइन, क्रॉन्स डिजीज एनी पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन, क्रॉन्स डिजीज ट्रांसल्यूमिनल होती है, अल्सरेटिव म्यूकोजल होती है। बैक कंटिन्यूटेशन में ऑफ द डिजीज इज अल्सरेटिव कोलाइटिस, स्किप लीजन्स आर इन क्रॉन्स डिजीज, ठीक है। ये देखें ये बेरियम सॉलो है जिसके अंदर देख सकते हैं लीनिंग लॉन्ग स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, और इसी तरह से एमआर थिकनिंग ऑफ द इलियम इन्वॉल्व हो रही है इसके अंदर। अच्छा, इसमें कैसे असिस करते हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सिवियरिटी माइल्ड डिजीज या सिवियर डिजीज। अगर डेली स्टूल लेस देन 4 है माइल्ड में आएगा, मोर देन 6 है तो सिवियर में आएगा, इसी तरह ब्लड इन स्टूल सिवियर में आएगा, स्टूल वॉल्यूम अगर 400 से ज्यादा है तो सिवियर में आएगा, 200 से कम है तो माइल्ड में आएगा। पल्स टेम्परेचर जो है, हीमोडायनेमिक अनस्टेबिलिटी होती है माइल्ड में, हीमोडायनेमिक अनस्टेबिलिटी होती है सिवियर में बिकॉज ऑफ द ब्लीडिंग एंड मेल एब्जॉर्प्शन। माइल्ड में नॉर्मल ग्रेन्युलर म्यूकोजा होती है, जबकि जो है सिग्मा जो है कोलोनोस्कोपी में, जबकि या सिग्माइडोस्कोपी में, और जबकि जो है ना सिवियर में ब्लड इन द ल्यूमन होता है। एक्सरे एब्डोमिन यूजुअली माइल्ड में नॉर्मल होता है, डायलेटेड बाउल लूब्स होती हैं सिवियर डिजीज में। हीमोग्लोबिन नॉर्मल होता है माइल्ड में, जबकि जो है कम होता है सिवियर में। ESR मोर देन 30 होता है, सीरम एल्ब्यूमिन जो है नॉर्मल होता है माइल्ड में, जबकि सेवियर होता है मॉडरेट में या सेवियर डिजीज में लो हो जाता है। तो सिंपल सी बात ये, हीमोडायनेमिक अनस्टेबिलिटी, एनीमिया, मेल एब्जॉर्प्शन एंड द अमाउंट ऑफ स्टूल विद द ब्लड, दे आर इन अ फॉल अवर कैटेगरी ऑफ मॉडरेट टू सिवियर, सही है ना। दे आर द डिफरेंशिएटिंग पॉइंट बिटवीन द मॉडरेट टू सिवियर, सही है। दीज आर ऑल फ्रॉम डेविडसन, ठीक है। अच्छा, आपके पास डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या हो सकते हैं, बैक्टीरिया, शगीला, सेलमोनिला, कैम्फाइलोबैक्टर, ई कोला, दे कैन कॉज द इन्फेक्शन, हर्पीस सिंप्लेक्स, साइटोमेगेलो,
protozoal infection, amebiasis. They are all infections which can cause the diarrhea and vomiting, but the duration is small. Vascular problems is ischemic colitis, radiation colitis, idiopathic collagenous colitis, drugs, NSAIDs, colonic carcinoma, diverticulitis. These are all the differential diagnoses of the ulcerative colitis. और क्रॉन्स डिजीज क्योंकि राइट साइडेड होती है, राइट साइड के ऊपर सीकल कार्सिनोमा, अपेंडिकुलर एब्सिस, ट्यूबरकुलोसिस, मेसेंट्रिक लिम्फेडेनाइटिस, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, लिम्फोमा, दीज आर द डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ द राइट साइडेड इन्वॉल्वमेंट विच इज कॉल्ड ड्यू टू द क्रॉन्स डिजीज. सही है. कॉम्प्लिकेशन टॉप में आएगा कोलोन हेमोरेज, फिस्टुला, एक्सटेंटेशनल कॉम्प्लिकेशंस, दे आर ऑल बिकॉज ऑफ द क्रॉन्स और अल्सरेटिव. There is always a risk of the cancer, so you should have to keep the patient on a screening after years of 8 years of the age. सही है. Extraintestinal manifestations में देखिए क्या क्या हो सकती है. Eyes में conjunctivitis, iritis, episcleritis, mouth ulcers, fatty liver abscesses, portal vein pyemia, portal vein thrombosis, venous thrombosis, arthralgia, pyoderma gangrenosum, erythema nodosum. ये inflammatory की intestinal manifestations है. इसके अलावा प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलेंजाइटिस, अमाइलोइडोसिस, सैक्रोइलियाइटिस, मेटाबॉलिक बोन डिजीज, दीज आर ऑल कैन बी बिकॉज ऑफ द एसोसिएशन ऑफ द अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉन्स डिजीज. सही है. ये आप सिग्मोइडस पिक्चर देखिए जिसके अंदर जो है सारे का सारा ल्यूमन में ब्लड है, हाइपरीमिया है, कॉन्टेक्ट ब्लीड है. ट्रीट एक्यूट मैनेजमेंट का फॉलोअप, एक्यूट इन्फेक्शन को ट्रीट करें, रिलैप्स को डिटेक्ट करें, कार्सिनोमा एंड सिलेक्ट करें पेशेंट फॉर सर्जरी. जो ड्रग्स यूज कर सकते हैं 5-अमीनोसैलिसिलिक एसिड, स्टीरॉइड्स, एजाथियोप्रिन, मेथोट्रेक्साट, साइक्लोस्पोरिन, टीएनएफ अल्फा एंटीबॉडीज, दे कैन बी यूज. अमीनोसैलिसिलिक एसिड ऐसा कॉल है, स्टीरॉयड है, एजाथियोप्रिन है, मेथोट्रेक्साट है, साइक्लोस्पोरिन है, एंटी टीएनएफ एंटीबॉडीज हैं और एंटीबायोटिक्स हैं. फल्मिनेंट केसेस में इंट्रावेनस फ्लूइड देंगे. इफ हीमोग्लोबिन लेस देन 10 ग्राम्स तो आप ट्रांसफ्यूज करेंगे. मिथाइल प्रेडनिसोलोन 60 मिलीग्राम्स दे सकते हैं डेली. एंटीबायोटिक्स फॉर प्रोटेक्शन, प्रूवन इन्फेक्शन, न्यूट्रिशनल सपोर्ट, सबकुटेनियस हेपरिन फॉर प्रोफाइलेक्सिस, अवॉइडेंस ऑफ द ओपियोइड्स एंड कंसिडर इन्फ्लेक्सिमेब इन अनरिस्पॉन्सिबल कंडीशन और सिवियर कंडीशन. सर्जरी कब होती है, जब इम्पेयर क्वालिटी ऑफ लाइफ हो जाए, लॉस ऑफ एक्यूपेशन हो जाए, डिस्टर्बेंस द लाइफ हो जाए, फेलियर टू रिस्पॉन्ड टू द ड्रग्स लाइक स्टीरॉइड्स और द ड्रग्स, पर्मानेंट कोलाइटिस, आर्थराइटिस, पायोडर्मिया गैंग्रीनोजम, कोलोनिक कैंसर्स, इन सब में जो है सिवियर डिजीज होती है. ठीक है, अल्सरेटिव कोलाइटिस से रिलेटेड कोई सवाल है तो बता दीजिए ताकि फिर हम आगे मूव करें, क्योंकि आज हमने अल्सरेटिव के साथ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम भी पढ़ना है. बताएं बेटा कोई सवाल है, यस या नो में जवाब दीजिए. ईशा सलीम का तो कोई जवाब सवाल नहीं है. आप में से किसी का कोई सवाल है, आगे मूव करें. सही है. इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो है वो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज से टोटल डिफरेंट होता है. ये एक फंक्शनल डिसऑर्डर होता है, 20% जनरल पॉपुलेशन को होता है. ठीक है, एंड 10% डॉक्टर्स को भी होता के जो क्लिनिक्स में आते पेशेंट्स वो आईबीएस के केशंस होते हैं. यंग पेशेंट्स के अंदर हो सकता है, फटीग, डिसमेनोरिया, फाइब्रोमायल्जिया कॉमन होते हैं. इसके साथ साथ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द पेशेंट हैज अ हिस्ट्री ऑफ फिजिकल और सेक्सुअल अब्यूज. साइकोलॉजिकल फैक्टर ऑर्डर जी है, इंटेस्टाइनल मोर्टेलिटी, एबनॉर्मल विसरल परसेप्शंस, इंफेक्शन एंड एलर्जी हो सकती है. कोली के एब्डोमिनल पेन, ऑल्टर बाउल हैबिट, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, रेक्टल म्यूकोजा, फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीट डेफिकेशन. जो सपोर्टिंग जो फीचर इन फेवर ऑफ द होते हैं ना वो ये होते हैं कि सिम्टम 6 मंथ्स हो, फ्रीक्वेंट कंसल्टेशन फॉर नॉन जी आई प्रॉब्लम, प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री, स्ट्रेस. और अलार्मिंग सिम्टम्स क्या है, मोर देन 50 एज, जेंडर, मेल, वेट लॉस, नॉक्टर्नल सिम्टम्स, हिस्ट्री ऑफ कोलोनिक कैंसर, एनीमिया, रेक्टल ब्लीड. अच्छा, अगर अभी भी आप जो है कोई भी ये जहन में रखें, अगर पेशेंट को समझ रहे हैं कि इन्फ्लेमेटरी इरिटेबल बाउल डिजीज है,
सिम्टम्स रिजॉल्व हो सकते हैं उसको, उसकी तीन टाइप की वैरायटी होती है, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन एंड पेन रिलेटेड। डायरिया है तो अवॉइड करें ऐसी मेडिकेशंस और एमिट्रिप्टिलिन दें आप उसको। कॉन्स्टिपेशन है तो स्पगोलस दें, पेन है तो मेपिविन वगैरह दें। लेकिन इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन की जब भी जरूरत होती है, जब कोई वेट लॉस हो या एब्डोमिनल पेन हो या फीवर हो या नॉक्टर्नल सिम्टम्स हो, अगर नहीं है ऐसे तो कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, जो बेसिकली जो नया टॉपिक है हमारा वो है आपका जो है कोलोन कैंसर का। कोलोन कैंसर अगर अगेन सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज है, लीथल है, मोर कॉमन आफ्टर एज ऑफ 50। डायरेक्टर्स हो सकते हैं इसके अंदर, और मेडिकल जो कंडीशंस हैं जिसमें कोलोनिक जो कि नॉन डायट्री फैक्टर्स हैं उसमें एनोमास, एक्रोमेली, दे आर ऑल ओबेसिटी, स्मोकर्स, कोलिसिस्टेक्टमी, बाइल बीइंग अफेक्टेड द राइट साइड ऑफ द कोलोन, सो रेड मीट रिस्क फैक्टर, सैचुरेटेड एनिमल फैट्स, डायट्री फाइबर का डिक्रीज, फ्रूट्स वेजिटेबल्स का डिक्रीज कैन कॉज दिस। क्लोनोस्कोपी, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन आर हेल्पफुल इन दैट। यू कैन सी द लार्ज रेक्टल पॉलिप कैंसर कार्सिनोमा। स्टेजेस में देखें, स्टेज 1 A B C D। डी के अंदर मेटास्टेसिस होता है, सी में लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व होते हैं, बी में ल्यूमन इन्वॉल्व होता है, और ए में ट्यूमर कन्फाइंड टू द म्यूकोसा होता है। सी इज द ट्रीटमेंट, और जो है दैट्स ऑल। तो यहाँ पे हम जो IPS और रेक्टल मेलिग्नेंसी को खत्म कर रहे हैं। कोई क्वेश्चंस है तो बताइए आप, क्योंकि अब नेक्स्ट लिवर का स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट वीक से टॉपिक। क्वेश्चन है? एमसीक्यू का कौन से बुक ले? देखो बेटा, बहुत सारी बुक्स आती हैं एमसीक्यू की। आप उर्दू बाजार जाइए, वहां पे जो है ना वैरायटी वाला है और क्लासिक वाला है, वो उनसे कहिए कि मेडिसिन की कोई अच्छी एमसीक्यू की बुक्स दें। इवन डेविडसन की भी आती हैं और प्रवीण कुमार की भी बुक्स आती हैं, आप भी ले सकते हैं, ठीक है? और एमसीक्यू की और भी एक दो बुक्स वहां से मिल जाएंगी आपको। वी लर्न दिस टॉपिक डीप। नहीं है, आपको पढ़ना तो पड़ेगा बेटा, और इसके साथ साथ फ्लो चार्ट्स आप जो है ना लाजमी पढ़ें। तो बहुत ज्यादा डीप नहीं, लेकिन आप फ्लो चार्ट्स लाजमी पढ़ें, खासतौर पर इंफ्लेमेटरी बाउल डिजीज के, सीलिएक डिजीज के, एक्लेजिया और डिस्पेप्सिया के लाजमी पढ़ने पड़ेंगे आपको। तो फिर पिक्चर्स डायग्राम्स आप देखें। आपको बता दिए बेटा ऑस्पी के बारे में, यही है कि आप ये टॉपिक जो आपको पढ़ा रहे हैं यही ऑस्पी में आएंगे। एक्लेजिया आ सकता है, IBS आ सकता है, IBD आ सकता है, और उसके साथ साथ ये इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज आ सकती है। यही सारे इंपॉर्टेंट जो लेक्चर आपको बताएं यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आगे बोलिए। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है बेटा? है कोई सवाल? नहीं, कोई सवाल नहीं है। स्लाइड्स के बारे में मैं देखता हूँ, उससे कहता हूँ मेल कर दे आपको चारों, ठीक है? ओके ओके ओके, स्टॉप।
दीजिए, आप टेस्ट कॉन्फ्रेंस से बनवा।